वेलकम टू द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन जर्मनी म्यूनिख, जो कि मुझे अभी फिलहाल काफी सस्ता पड़ रहा है क्योंकि मेरे साथ इस किस्म के दोस्त अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इन सब बिल्डिंग लोग में मिल चुके हैं, रहते हैं भाई साहब म्यूनिख में। मैं इन्हीं की तरफ स्टे कर रहा हूँ, यही आज हमें सिटी घुमाएंगे। और ये भाई केले खा रहे हैं, शौक है केले खाने का, नाश्ता भी ना करूँ। यानी यार पाकिस्तान से है तो वो इस किस्म की चीजें लाता है यार। यानी पाकिस्तान में देख रहे भाई, इन चीजों को इजी मत लो। इनकी कदर पिरकानी से पूछे, असद भाई से पूछो। गुलाब जामुन शशकों वाली जिंदगी आपको लगती है ना, यूरोप में उतनी नहीं है। करना पड़ता है भाई, इधर बिना ये नहीं होता। माँ नहीं है ना इधर, पिछले दिन देवे ने काम नहीं करके रखना। थोड़ा बड़ा है तो आप पैदल चल के नहीं जाएंगे, आप यहाँ से टिकट लेंगे। एंजल फॉर्ड काटे क्या होता है फिर कहानी, सिंगल जर्नी लड़के की जर्म फिट होगी। जाए ना आप फिर कहानी को सुनने जाए, आप इंग्लिश कर लें तो आपको सब कुछ समझ आने लग जाएगी। हमने डे टिकट लिया, आपको एक पर्सन का मिल जाएगा 1900 रुपये। 1900 रुपये में आप एक दिन में फिर रहे हैं। क्या हिस्ट्री है इसकी? यार जब म्यूनिख जो शुरू में था वो ओल्ड टाउन था पूरा। वो ओल्ड टाउन बेसिकली क्या होते थे इनके, कि वो फोर्ट्रेस से बने होते थे जो कि वॉल्ड होते थे हर तरफ से। तो इस बेसिकली इस वक्त इसके तीन जो डोर्स हैं वो रहते हैं, इस तरह इस्लाम आबाद, वो लाहौर में इस तरह आपका ओल्ड टाउन है, उसके दिल्ली दरवाज़ा है, मेरे 16 या 17 दरवाजे हैं डिफरेंट। तो अब जो इस एरिया के बच गए हैं वो तीन दरवाजे बच गए हैं, उनमें से एक ये आपके सामने जिसका नाम है सिडलिंगा टूअर। अभी हम जिस जगह पे जा रहे हैं उसका नाम है मेरियन पार्क। ये म्यूनिख की वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन है। आज को ज्यादा ही रश होगा यहाँ पे क्योंकि आज सैटरडे है। म्यूनिख की आबादी वैसे भी काफी है। और यहाँ पे अपने बड़ों से दूर नहीं होना। बच्चे इधर हो, कहाँ गायब हो गए थे आप? आ जाओ, मामा बुला रही हैं बेटा। मामा बुला रही हैं तो पापा से क्यों दूर हुए थे? एक तो हम तब से पिक्चर लेने की ट्राई कर रही हैं लेकिन इतना बड़ा है ना, यहाँ ही नीरा फ्रेम है। असद भाई आपसे कुछ हुआ? असद भाई फोटोग्राफर है, इसे अगर लेंगे तो पूरा फ्रेम कवर करेगा और वो भी आपका लेंस जो है ना वो थोड़ा 18 पे रख के, कोई सीन नहीं है। खैर मैंने वीडियो में कवर कर लिया, इसलिए कहता हूँ ब्लॉगिंग करें, सब कवर हो जाएगा। यार मेरी आजकल की सबसे फेवरेट गाड़ी ना टेस्ला मॉडल एक्स, लाइक क्या तबाही शेप है, ऊपर से बैटरी कार है, लाइक आ जाओ यार सब बैटरीज पे आ जाओ। हम भी बूढ़े हो गए, उम्र देखो हमारी, नहीं ताकत रही हम, अब नहीं चला जाता। ये हाल है पाकिस्तान की 25-26 साल की जनरेशन का, 2 किलोमीटर चल के कह रहे हैं बूढ़े हो गए। आज के दौर में ना वो ताज़े गजाएं रही हैं, ना वो असली घी, ना असली लस्सी, ना असली दूध, तो फिर यही होगा जो हालतें हुई हुई हैं। पर एपिक रेस्टोरेंट आए हैं म्यूनिख में, सिनबाद नाम से है। काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। वैसे आपको तुर्किश खाने ज़्यादा मज़े के लगते हैं अरेबिक? अरेबिक अरेबिक का जो मीट है वो अच्छा। था कि जर्मनी में बैठ के आपको पबजी खेलने का टाइम मिल जाता है, इसी जाती एग्जांपल है। चीजों के टाइम निकालना पड़ता है। आपके कब से कब तक आपने पबजी खेला था रात में? कल रात 12 से सुबह 5 बजे से मैं पबजी खेलता हूं ताकि अगले दिन तो मैं देख सकूं, तो मैं बर्दाश्त। आपको याद होगा कि पहले हमारे ट्रेंड होता था कि छोटी छोटी दुकानें होती थी, कुरकुरे पकड़ने हैं, सलंटियाँ पकड़नी हैं, हम छोटी छोटी दुकानों में जाते थे, कोई फटक की दुकान कह दें, कभी किसी की दुकान कह दें। यहाँ पे पहले वो वाला सीन होता था, अब नहीं होता। पाकिस्तान में भी ख़त्म होता जा रहा है लेकिन यहाँ पे काफ़ी अर्सा पहले का ख़त्म होगा। अब एक ही बड़ा सा सुपर स्टोर होगा, जनरल स्टोर कह लें उस टाइप का। यहाँ पे आपको शराबों से लेके जूस से लेके
दालों से लेके हर टाइप की चीज़ मिल जाएगी। देख रहे हो रश चेक कर रहे हो। तो ये म्यूनिख का सिटी सेंटर है और यहाँ पे आपको इस तरफ भी दुकानें मिलेंगी, इस तरफ भी, और खाने की चीज़ें भी मिलेंगी आपको, पहनने की भी मिलेंगी, हर टाइप की मिल जाएगी। अगर तो आप शॉपिंग फ्री हो ना तो ये जगह आपके लिए इट्स लाइक अ पैराडाइज। अभी हम एक बड़ी हिस्टोरिकल जगह पे जा रहे हैं जिसका नाम है मैक्स जोसेफ प्लाट्स। शशके वाली चीज़ें तो हो गई, थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। इसको सामने नज़र आ रहा है ये जर्मनी का झंडा है, उसके साथ ही ये ब्लू और वाइट ये बवेरिया का झंडा है, और सामने इन भाई साहब के पीछे आपको ओपरा हाउस नज़र आ रहा होगा। वाले बॉय ना, ये वाले बॉय इनके ऊपर अभी कबूतर से बैठे हुए हैं। इनका ये सीन है, इनका नाम है किंग्स मैक्सिमिलियन। तो किंग मैक्सिमिलियन भाई साहब जर्मनी के वन ऑफ द मोस्ट बिलवड रूलर हैं। तो हेल्थ और एजुकेशन इन्होंने बिल्कुल फ्री कर दी थी। काश हमारे हुक्मरान भी ऐसे आए तो मतलब बल्ले बल्ले। असद भाई अभी ये इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने लगे हैं। असद भाई क्या प्रोसेस है, कैसे बुक करवाते हैं? ये ऐप डाउनलोड करते हैं सबसे पहले। इस ऐप का नाम है VOI, तो ये स्कैन टू राइड ऐप। इसमें एक यूरो होता है आपकी मतलब अनलॉकिंग कॉस्ट होती है, और फिर आपका 20 सेंट्स पर मिनट के हिसाब से ये चार्ज करते हैं। एक्सपीरियंस काफ़ी मज़े के वैसे स्कूटी वाला। रुको ज़रा रेस लेने में। अभी ऑल ही फीलिंग आ रही है। आगे निकल गया, पकड़ो उन्हें पकड़ो। से स्कूटी लाजमी ट्राई करना, मज़े की चीज़ है, वंस इन अ लाइफ टाइम। गोस चलोस। बाहर गर्मी और यहाँ पे एसी लगा, हम शॉपिंग करने की बजाय ये कर रहे हैं। टिकट चल रही है सब्जी वालों के साथ। बहुत मज़ा आ रहा है। ये क्या है भैया, कौन सी अदरक होती है? फुटबॉल मैच हो, जैसे कि आज बायर्न म्यूनिक वर्सेस कौन सा प्रकार वर्सेस माइंस है, तो ट्रेनें इस तरह से भरी होंगी। वहाँ पहुँच गए इंग्लिश गार्डन, और जिस तरह का हमारा रोज एंड यास्मीन गार्डन है ना, उस तरह की वाइब्स आ रही हैं यहाँ से। भाई म्यूनिक की कुछ चीज़ें कवर हो गई हैं, कुछ रह गई हैं। जो रह गई हैं वो इंशाल्लाह एक बार फिर आके कवर करेंगे। तो आज के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ओके भाई।